इंडिया टू इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। नमस्कार दोस्तों, आज है 21 सितंबर महीने की आखिरी तारीख और हमारा 32वां दिन विदेश में। 15 दिन हम वियतनाम में थे, 15 दिन हम लाओस में और आज हमारा कंबोडिया में दूसरा दिन। कल हम कंबोडिया में एंटर हो गए थे, जो खोंगथियांग बॉर्डर है लाओस से कंबोडिया की, वहाँ से हमने बॉर्डर क्रॉस करके पहले दिन की जर्नी लगभग 100 किलोमीटर हम आए थे यहाँ स्ट्रंग ट्रंग में। और आज हम स्ट्रंग ट्रंग से जा रहे हैं 142 किलोमीटर की दूरी पे जो प्रिया विहार है, जो सबसे अंकुर मंदिर तो प्रसिद्ध है ही कंबोडिया में, लेकिन प्रिया विहार नाम का जो मंदिर है वहाँ पे प्रिया विहार प्रोविंस पड़ता है, तो उस प्रोविंस तक जाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन मौसम देखे ना यार, कल तो बहुत धूप थी लेकिन आज रात को शायद बारिश और अभी भी थोड़ी बूंदाबांदी यहाँ हो रही है। तो देखते हैं कैसी जर्नी रहती है, कैसा सफ़र हमारा कटता है। ये पूरा वीडियो देखिए, कंबोडिया के दूसरे दिन की जर्नी में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मेरे साथ 6 देशों की साइकिल यात्रा, राइड फॉर पीस एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड। अरे यार क्या करे, ये देखिए बारिश तो अभी इतनी ज़ोर से आ रही है ना, मैं अभी निकलने वाला था, एक मतलब सुबह 6:30 बजे से अभी रेडी हो गया हूँ। मैं कॉफ़ी पी, मुझे लगा अभी बारिश जाएगी, लेकिन क्या यार इस बारिश का क्या कहना। मुझे अपने कंबोडिया के एक दोस्त मिले जो फनोम फेन से है ये, और ये अभी मुझे सलाह दे रहे कि आज दिन भर बारिश यहाँ बताई गई है, तो आप एक काम कीजिए, ऐसे एक टैक्सी यहाँ से चलती है तो आप साइकिल उसके पीछे डालिए और आप फनोम पे प्रिया विहार कुलिन तक आप जा सकते हो। तो मैं बोला साइकिल इसमें आएगी, वो बोले हाँ वो आपको लेके जा सकते हैं। अभी वो मैडम जी वही पूछ रही है फ़ोन पे, तो देखते हैं कैसी जर्नी रहती है। बारिश क्या मालूम यार, बारिश में मैं तो ट्रैवल भीगूंगा नहीं और मैं अपने मतलब तबीयत अभी और 3 देश फिरने हैं अपने को। कंबोडिया के अस्पताल अपने को देखने नहीं है, कंबोडिया की साइट सीन हमें करना है। तो चलिए देखते हैं जैसा सफ़र होगा वैसा होगा। सुबह का मार्केट देखिए आपने, अरे ये गाड़ी पे सोया है क्या, क्या कर रहा है। जब हम शाम को यहाँ आए थे तो मार्केट बिल्कुल ही सही था। दोस्तों परलोक भाई ने अपनी मदद की यहाँ पे, वो एक्चुअली बारिश हो रही थी तो बोले टैक्सी में जाओ मैं आपको मदद करता हूँ, और अभी टैक्सी आएगी हमारी फिर हमारी बाइक लेके हम जाएंगे टैक्सी। थैंक यू परलोक भाई। तो बारिश यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही, तो मैंने साइकिल अभी इस गाड़ी में डाल दी है और लगभग 150 किलोमीटर अभी मैं ये सफ़र तय करूंगा इस वैन से। इसका किराया कितना बड़ा है मैं अभी बताता हूं आपको गाड़ी में बैठने के बाद, क्योंकि वो मुझे ठीक से पता नहीं कितना अभी वो चार्ज करेंगे मेरे से, देखते हैं। तो
तो आ गए हम प्रिया विहार में दोस्तों, 3 घंटे में हम पहुंच गए यहाँ पे। और प्रिया विहार में अभी मैं गेस्ट हाउस ढूंढ रहा हूँ कोई तो भी, क्योंकि अभी साइकिल लगा के हमें जाना पड़ेगा। एक्चुअली आज तो जाना मुश्किल है टेंपल की तरफ, क्योंकि 100 किलोमीटर है टेंपल यहाँ से। तो आज रेस्ट करूँगा मैं प्रिया विहार में, देख रहा हूँ कोई तो भी अच्छा गेस्ट हाउस यहाँ मिल जाता है। तो ये जो है ये मेन हाईवे है प्रिया विहार का, जो सियाम रिप की तरफ जाते हैं वहाँ पे। प्रिया विहार प्रोविंस के एक बस स्टेशन के इधर मैं आया था दोस्तों। यहाँ से मंदिर जाने के लिए बस है क्या नहीं ये पूछताछ में कर रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिया विहार से नॉम फेन की मॉर्निंग को सुबह 7:30-9:30 बजे बस रहती है, और नाइट को 8:30-9:30 बजे, और वापस वही आ सकते हैं आप। ये देखिए इनके नंबर भी है यहाँ पे। और ये कुछ GTF एक्सप्रेस बस कंपनी लिमिटेड, मतलब ये कोई कंबोडियन के ऐसी प्रॉपर बस सर्विस नहीं है, ये ऐसी ही लोकल बस सर्विस है इनकी। अब मैं इनसे पूछताछ कर रहा हूँ भाई साहब को, गूगल ट्रांसलेट करके बात कर रहे हैं हम। ये है प्रिया विहार का मेन हाईवे, मतलब प्रिया विहार प्रोविंस अलग है, प्रिया विहार टेम्पल अलग है। प्रिया विहार प्रोविंस से लगभग 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है टेम्पल के लिए। तो हमने यहाँ पे अभी गेस्ट हाउस ले लिया है, ये है सिंघक गेस्ट हाउस, और काफ़ी बढ़िया ये गेस्ट हाउस है। मतलब अभी मैंने उनके कमरे देखे, $10 से शुरुआत है, $10 मतलब अपने 850 रुपये, और रियाल में अगर मैं बोलूँ तो लगभग 4000 रियाल। तो मैंने उनको बोला कि मुझे एक नाथ रुकना है और सुबह मैं अपनी साइकिल लगा के मंदिर की तरफ जाऊंगा, तो मुझे थोड़ा चीपेस्ट कमरा दिखाइए। तो उन्होंने मुझे अभी ऊपर वाला कमरा दिखाया, ये ऊपर वाला कमरा है। तो अभी मैं बैग्स ऊपर लेता हूँ, आपको कमरा दिखाता हूँ। तो ये है अपना कमरा, अभी मैं वहाँ से आपको दिखा रहा था, और ये ऊपर का कमरा है अपना, मैं भी आपको दिखाता हूँ। छोटा सा है, और मैंने एक ख़ास बात देखी यार, यहाँ के मतलब लाओस वियतनाम कंबोडिया के इन जो गेस्ट हाउसेस में मैं रुक रहा हूँ वहाँ पे आपको वाईफाई फ्री मिलता ही है। हर एक वाईफाई बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं, मतलब मैं आने के बाद यूट्यूब के वीडियो पूरी तरीके से अपलोड कर देता हूँ, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो। और एक ख़ास बात कि हर एक गेस्ट हाउस में आपको ये ब्रश, एक छोटा सा ट्यूब कोलगेट, ये तो मैं कभी इस्तेमाल नहीं किया लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक शैम्पू का पाउच, एक कंगी और एक छोटी सी टिकिया साबुन की, ये मिलती ही है। और ये 2 बोतल पानी की, इसकी कीमत लगभग 500 रियाल, मतलब अपने 10 रुपये, इतना तो मिलता ही है हर एक कमरे में। मतलब आप कोई भी एकदम बजट से बजट कमरा ले रहे हो तो भी ये हर एक कमरे में आपको अवेलेबल होता है। तो इस प्रकार अपना सफ़र रहा स्टंग ट्रंक से क्रॉन्ग प्रिया विहार प्रोविंस का, 140 किलोमीटर की दूरी थी, हमने तय कर ली, हमने लिख ली और साइकिल डाल के। और हाँ, उसका प्राइस मुझे कितना पड़ा, उसका जो प्राइस मुझे पड़ा, एक्चुअली अगर मैं अकेला आता तो उसका मुझे पड़ रहा था $8। $8 मतलब अपने इंडियन करेंसी में होता है 640 रुपीज़। और लेकिन मैं साइकिल बैग मेरे साथ थी, तो उसने मुझे बोला कि आपको $15 पे करने पड़ेंगे। मैं बोला यार $15 किस प्रकार, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, मेरा बजट नहीं होता। तो वो बोला फिर आप $12.50 पे कीजिए, मतलब उनके करेंसी में वो लगभग होते हैं 50,000 रियाल। तो 50,000 रियाल लेके यहाँ तक पहुँचा, और अपने हो गए वो 1,000 रुपये। 1,000 रुपये लगे मुझे यहाँ तक आने के लिए, लेकिन सुबह मौसम ख़राब था, मेरी तबीयत भी हुई ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं बोला चलो आज लिफ्ट लेके प्रिया विहार तक जाएंगे, फिर हम कल टेंपल देखेंगे, और फिर यहाँ से मेरे ख्याल से कल फिर एक स्टे यहाँ लेना होगा, फिर परसों हम यहाँ से निकलेंगे सियाम रिप की तरफ। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए 6 देशों की साइकिल यात्रा जो पहुँची है क्रॉन्ग प्रिया विहार प्रोविंस में। जय हिंद, वंदे मातरम।